हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं स्पीति वैली के खूबसूरत रास्ते जो कि जा रहे हैं टाबो विलेज की तरफ। एंड यहां पर हम आपको दिखाएंगे टाबो मॉनेस्ट्री, दैट इज़ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ दिस रीजन। एंड इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री जो कि 500 साल पुरानी एक मम्मी के लिए फेमस है। हेलो एवरीवन, दिस इज पल्लवी एंड यू आर वॉचिंग P&R व्लॉग डायरीज। यू आर वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्पीति वैली एडवेंचर। गाइस, ये है मॉर्निंग का टाइम। ब्रेकफास्ट करके हम निकले हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। एंड हियर आई एम शोइंग यू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप एट अ हाइट ऑफ 12,500 फीट From sea level and it is located in Khasa Spiti Valley at Himachal Pradesh। यहाँ पर हम कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक काजा में। थोड़ा सा हमने सोचा देखा जाए स्पीति में लोग कैसे रहते हैं, क्या उनकी लाइफ स्टाइल होती है, कैसे उनके घर बने होते हैं, ये सब। मुझे यहाँ पर लोगों के रहने का तरीका बहुत पसंद आया, उनका लाइफ स्टाइल जो है बहुत पसंद आया एंड उनके घर वो भी बहुत सुंदर लगे मुझे तो। इसके बाद वॉक करते हुए हम पहुंच जाते हैं इस मंदिर में जो कि एक हिल के पास ही था। बहुत ही बड़ा सा एरिया इस मंदिर ने कवर किया हुआ था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मेरी मानो तो आप जब भी स्पीति जाए अपने वूलन क्लॉथ्स का अच्छा खासा स्टॉक रखिएगा क्योंकि कभी भी यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। एंड यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम जो है मई जून का होता है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट वन में आपको बताया था। एंड पार्ट वन में स्पीति वैली के टूरिस्ट अट्रैक्शंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। घूमते घूमते हमें काफ़ी टाइम हो गया था एंड ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट किया था हमने, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर दाल रोटी टेस्ट की जाए कैसे ये लोग बनाते हैं। एक्चुअली ये लोग खाना बहुत सिंपल बनाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी डेस्टिनेशन के लिए। हम यहाँ से आगे जा रहे हैं टाबो विलेज की तरफ एंड ये है खूबसूरत से सीनिक व्यू, और इसको आपके साथ शेयर करने से मैं खुद को नहीं रोक पाई। As we make our way towards Tabo village, we were surrounded by the incredible beauty of Spiti Valley and every turn in the road revealed a new breathtaking view. ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं टाबो विलेज। एंड यहाँ पहुंचते ही हमें दिखाया गवर्नमेंट स्कूल यहाँ का, एंड यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पंचायत टाबो आपका हार्दिक स्वागत करती है। एंड गाइस, टाबो विलेज जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में है। तो कभी आप हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में घूमने आते हैं तो आप टाबो में इजीली स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे होम स्टे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ देर टाबो विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँचते हैं यहाँ की टाबो मॉनेस्ट्री में। जब हम टाबो मॉनेस्ट्री पहुँचे हमने देखा ये मॉनेस्ट्री अंदर से बहुत ही बड़ी मॉनेस्ट्री थी। एंड हमें कुछ और भी यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले हमें पता चला कि टाबो मॉनेस्ट्री 996 AD में हिमालयस में मिली एंड इट इज नॉट ओनली वन ऑफ द oldest Buddhist monasteries in India but also the oldest continuously functioning monasteries in the Himalayas. Fact number 2 is Tabo Monastery is in the list of UNESCO World Heritage Site. Fact number 3 is this monastery has a huge collection of ancient manuscripts and texts. So these were some facts about this monastery. Thank you.
मॉनेस्ट्री चारों तरफ से बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेंस से घिरी हुई है। ये माउंटेंस इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो यहाँ की दीवारें तो कुछ मिट्टी की बनी हुई सी लगती हैं, एंड यहाँ पर अंदर की साइड जब एंट्री करते हैं तो फ़ोन्स वगैरह वीडियो बनाना फ़ोटो क्लिक करना अलाउड नहीं होता है। हम यहाँ पर मई जून में गए थे, एंड अगर आप विंटर्स में जाते हैं तो यहाँ पर ये सभी पहाड़ आपको स्नो से कवर्ड मिलेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे यहाँ पर हमें काफ़ी शांति मिली, एंड यहाँ की जो एंशियंट वॉल्स हैं एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है, ये हमें एंशियंट टाइम में लेकर जाता है। मॉनेस्ट्री के अंदर जाते ही हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे एंशियंट टाइम वाले पिक्चर्स लगे हुए थे, एंड काफ़ी सारे मूर्तियाँ भी यहाँ पर थीं, एंड हर एक चित्र हर एक मूर्ति एक अपनी ही कहानी बता रही थी। और हमने एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स का भी काफ़ी बड़ा कलेक्शन यहाँ पर देखा। एंड द मेडिटेशन केव सराउंडिंग द मॉनेस्ट्री वॉज अनदर यूनिक एक्सपीरियंस, एंड वॉकिंग थ्रू दीज केव्स वी कुड फील द सॉलिट्यूड एंड डेडिकेशन ऑफ द मॉन्क्स हु मेडिटेटेड हियर। So this visit of this monastery not only educated us about the history and culture of Buddhism, but also left us with an inner peace and fulfillment. एंड गाइस, टाबो मॉनेस्ट्री के बाद हम जा रहे हैं ग्यू मॉनेस्ट्री, जो कि इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए आती है, एंड टाबो विलेज से 35 किलोमीटर दूर है। यह मॉनेस्ट्री एक 500 साल पुरानी ममी के लिए फेमस है, एंड यह ममी एक बुद्धिस्ट मॉन्क की थी। आई कांट एक्सप्लेन दिस एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल रिचनेस एंड स्पिरिचुअल ट्रैंक्विलिटी मेड दिस विजिट ट्रूली अनफॉरगेटेबल। Thank you guys for joining us on this part of our journey through Spiti Valley. Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more travel adventures and our daily vlogs. You can also check our playlist to watch more videos. Thanks for watching. Bye bye. We will meet soon in the next video.